ड्रेस दें, ईद के रोज हैं और काफी लोग बीमार हो रहे हैं, एक आधा कोई भी नहीं है। जब मैं वहां पे गई ना, दो तीन आंटियां भी आई हैं, दो तीन भाई भी आए हैं और इमरजेंसी तो इतनी भरी हुई है ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए। मैंने कहा था ना बड़ा पंगा पड़ने वाला है, पड़ गया है। ये देखो जी, अभी ना ड्रिप लगेगी। मुझे पहले ही पता था कि ना इन्हें ड्रिप लगनी है, तो पर ये है ना नहीं बोल नहीं सकता। शफा दे भी एक ड्रिप लगी है, एक ऐसी और लगेगी, फिर एक बड़ी सारी लगेगी, ठीक है ना, टैंकर जितनी, वो कूलर जितनी लगेगी। तो मैं दो ड्रिप यहाँ पे लगवा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल है वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफिस होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे, अल्लाह के फजल करम से आपके पेट बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। पेट का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कल मैं डायलिसिस पे गई थी ना दानिश भाई के साथ, इतने कोई पेशेंट आए हुए थे ना उधर, मतलब कि इमरजेंसी में फूड पॉइजनिंग के, सबको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। फूड पॉइजनिंग किस लिए हुई कि रमजान में हमारी बहुत ज्यादा और बहुत प्यारी रूटीन गुजर रही थी माशाल्लाह से, जैसे ही ईद आई ना भूखे बंगालियों की तरह खाने पर टूट के पड़े, वो कर गया हमारे मैदे पे रिएक्शन, खा लिया पी लिया घूम लिया और आगे सो गए, ठीक है ना, सो के नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता रही ना कि जैसे मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करा, मैं हफ्ते 15-10 दिन बाद बीमार हुई रहती हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान का इतना करम रहा मेरे पे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आप ठीक है ना पापा? आपकी ये हवा चली, आप ठीक है? शुक्र है खुदा। मेरे अब्बू सलामत रहे, सबके अब्बू सलामत रहे, आमीन सुमा शाबाश बेटा, आमीन। इधर देखे इधर आप कहो सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, मजा आ रहा है आपको? बहुत। तो इनको मैं लेके जा रही हूँ, किधर लेके जा रही थी? ट्रिप लगवाने लेके जा रही थी। पहले मैं सोच रही थी इमरजेंसी ले जो, पर इमरजेंसी को कोई हाल नहीं, इतने पेशेंट आए ना कि बंदा देख के ना और ज्यादा बीमार मजीद हो जाता है। तो मैं इनको लेके जा रही हूँ क्लिनिक के, क्लिनिक पे, ठीक है ना? हाँ जी, प्राइवेट क्लिनिक पे लेके जा रही हूँ, इमरजेंसी में जाने वाला कोई हाल नहीं। लेडी डॉक्टर के पास भी अल्लाह करेगा लेके जाऊंगी इनकी वाइफ को इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ना कभी तो मैं जरूर लेके जाऊंगी, मेरी अल्लाह कभी ना कभी मुराद जरूर पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बी भाई। हाँ जी, एक और जरूरी बात है जो मैंने आपके साथ आके शेयर करनी है, ठीक है? तो पहले मैं चले जाऊँ इनको लेके, फिर मैं आके वीडियो कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चले फिर चलते हैं क्लिनिक पे। जी तो व्यूअर्स, मैंने कहा था ना बड़ा पंगा पड़ने वाला है, पड़ गया है। ये देखो जी, अभी ना ड्रिप लगेगी। मुझे पहले ही पता था कि ना इन्हें ड्रिप लगनी है, तो पर ये है ना नहीं बोल नहीं सकती सी, नहीं की बोल की उन्होंने सुन कह नहीं सकती सी, डॉक्टर नु सुनया ही नहीं कि मेरे बंदे नु ड्रिप लगनी है, उन्होंने सुनया। क्या नाम आपको? इधर देखना, इधर देखना, क्या नाम आपको? दर्द नो पंगा खाते हुए आपको दर्द नहीं हुआ? हाँ। मजे से खाया ये मेरी हाइपड़ी, मारी हाइपड़ी भी वो पके, हमने नहीं खिलाया पंगा पंगा खिलाई इसलिए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं फाड़ नहीं, चला जा जा पापा, चल कोई नहीं, कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं, इन्हें मैं ड्रिप लगवा दूँ, लगवा के लेके जाऊंगी, मैं अभी छोड़ने नहीं लगी, ठीक है ना? अगर मुझे खिला दिया होता ना तो ऐसा पंगा कोई नहीं पड़ना था, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह पाक बेहतर करे करम करे, इन्हें ड्रिप लग जाए, दो घंटे मेरे इधर वेस्ट होंगे अब इसके पंगे के लिए, कोई बात नहीं, कह रहा है कल नहीं गई थी, मैंने कहा था ना ड्रिप लगनी, कहते नहीं ड्रिप नहीं लगनी, मैं कहा मैं आज लगवा के ही लाऊंगी हर हाल में, तो मैंने ड्रिप लगवा लूँ, ठीक है? तो फिर मैं आपको बताती हूँ इनका क्या बना, बेहतर फील हो रहा है, है ना? अल्लाह पाक शफा दे भी, एक ड्रिप लगी है, एक ऐसी और लगेगी, फिर एक बड़ी सारी लगेगी, ठीक है ना, टैंकर जितनी, वो कूलर जितनी लगेगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो मैं दो ड्रिप यहाँ पे लगवा लेती हूँ, तीसरी मैं कोशिश करती हूँ घर जाके लगवाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि जो घर पे दूसरे भी घर ही लगवाएंगे, क्योंकि जो घर पे रिलैक्स होते हैं ना बाहर, हमें इतना ना रिलैक्स नहीं फील होता, घर पे जरा तसल्ली से सब कुछ कर लेते, मैं और मम्मा कर लेते तो बस बेड रोला पास नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ हम कर लेते होते हैं, लगा भी लेते हैं, उतार भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर दिल घबरा रहे ना? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कैसी महसूसियत आ रही है आपको? अरे मुझे चक्कर आने लग गए, अब फीलिंग आ रही, तू दस नहीं क्या कैसा फील हो रहा है? अच्छा नहीं फील हो रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा, अच्छा तो मुझे भी फील नहीं हो रहा, बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। इनको ना ड्रिप कभी लगती थी, एक तरह लगी थी बहुत साल पहले जाती ना, तभी इन्होंने कोई ऐसा कुछ किया था, तभी ना ड्रिप लगी थी, पर अल्लाह पाकि किसी को भी ना लगे, पेट का दर्द इतना बुरा होता है ना, दर्द सभी बुरे होते हैं, दर्द तो कोई भी अच्छा नहीं है, पर हर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक शफा दे, तंदुरुस्ती दे आप सबको दे, जिन जिनको ये मसला हो रहा है, और इन्हें भी अल्लाह पाक जुनैद भाई को भी शफा दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है? चलो जी व्यूअर्स, फाइनली जुनैद भाई को एक ड्रिप लग चुकी है, ठीक है, बाकी उनको मैं घर जाके लगाऊंगी, क्योंकि चची वगैरह आ गई हुई है घर पे। अच्छा,
तो फिर मैं बाकी की जो ड्रिप है वो घर जाके लगाऊंगी। और मेरा दिल कर रहा है मैं ये भी साथ ले जाऊं उठा के। चॉकलेट नहीं चॉकलेट चुक जीती। आप बेटर फील कर रहे हैं कुछ? बेटर बेटर हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटर। चले हाथ तो हाथ साले का खोपड़ी तोड़ने खोपड़ी तो अपने हाथ नहीं धोए आपने हाथ नहीं धोए हाथ धो के है उन। चलो ठीक है फिर हम रक्षा करवा लिए हम चलते हैं घर। बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं हाँ जी करवा दिए। A few moments later. जी तो व्यूअर्स अब मैं घर आ चुकी हूँ। दानिश जुनैद भाई को ड्रिप लगी, दो ड्रिप है उधर लग गई हैं। तो एक और लगनी थी ड्रिप, एक और लगनी थी, पर उन्हें ना सर्दी बहुत ज्यादा लग रही, तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक शफा दे, करम करे, अल्लाह पाक दुआ करें आप सब लोग। आज तो वाकई तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेचारे की। तो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान सब पता थोड़ी सा कि कोई चीज ऐसे भी निकल आती है। तो बेचने वालों का ईमान होता है कि फ्रेश चीज दें, ईद के रोज हैं और काफी लोग बीमार हो रहे हैं, एक आधा कोई भी नहीं है। जब मैं वहां पे गई ना, दो तीन आंटियां भी आई हैं, दो तीन भाई भी आए हैं और इमरजेंसी तो इतनी भरी हुई है ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए। तो मैं सोच रही थी पापा को खीर डाल दो, जो कल ये हमने खीर बनाई थी ना, तो कल रसमलाई खा ली थी, फिर खीर मैंने फ्रीज करके रखी दी थी, फ्रीज नहीं गई थी, मैंने नीचे ही रख दी थी, तो आके फ्रीजर से उतार के नीचे रख दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए। मम्मा जुनैद भाई को खीर देनी है अभी, ठहर जैसे इसको बुखार तो उतर जा रहा है ना, बुखार ज्यादा हो रहा है। वैसे भी डॉक्टर ने मना करा कि ना इन्हें खीर नहीं देनी, क्या देनी है? झूठ ना बोलो, खा मम्मा की कसम। तो खाने में क्या है? खाने में दलिया वो लेना पापा। ठीक है ठीक हाँ जी, दूध दलिया और खिचड़ी और उबले हुए टिंडे और उबले हुए शलजम, ये चीजें देनी है। ठीक है बॉइल करके, ठीक है बगैर नमक मिर्च के। नहीं नहीं भरा मुझे ना दिखा, मैं इस टाइम से बात कर लेना थोड़ी सी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, करे सब लोग ठीक हो जाए, अल्लाह करे जल्दी से। इंशाल्लाह 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 ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और इन पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना दानिश भाई पे। आज हमने चपनी क्या पका ली, इनकी हिम्मत कैसे हुई टिक्के कबाब खाने की? आपके लिए भी रखा मैंने वो अंजाम, देखा पीछे वाला? नहीं वो फ्रेश है। पता है क्यों इतना वो हो जाते, चिल रहते हैं, इतना ढीट हो जाते, इनकी हो जाती है डायलिसिस। ले जाओ हटो मेरे बेटे के पास से। मेरा पापा 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 मेरी पापा नहीं हट नहीं पड़ा, चलो हटो मेरे बेटे के पास से। मैं झगड़े। अच्छा जी, तो सॉरी है व्यूअर्स कि आप लोगों की काफी लोगों के मुझे कमेंट आए, काफी चुप कर तेरे बुक पास लिटा दे तेरा, चुप कर देख लो तेरा। अच्छा जी, तो मेरी बात सुने, आप लोग ना मुझसे फरमाइश कर दी कि आप भी 2000 की स्टोरी शेयर करें। चुप कर, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, 2000 की स्टोरी शेयर करें हमारे साथ, आप 2000 का सब कुछ बनाए हमें। तो ऑल सो सॉरी है दानिश जुनैद भाई की वजह से, दानिश भाई की वजह से तो इतनी परेशान। माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक से भी ठीक रखे, अल्लाह पाक मेरे दोनों भाइयों को सलामत रखे, सबके भाइयों को अल्लाह पाक सलामत रखे। भाई ना एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं बहनों के लिए, बहुत बड़ा बाप भाई, अल्लाह पाक सबके बाप भाइयों को सलामत रखे। तो मैं आज जुनैद भाई की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, ढिली मुर्गी बर्ड फ्लू वाली मुर्गी हुई है, चल रही है। तो ना तो इंशाल्लाह मैं दुआ जहरा की स्टोरी जो है ना कल वाले व्लॉग में आपके साथ तसल्ली से शेयर करूंगी। ठीक है, ए टू जेड में आपको सब कुछ बताऊंगी, आपने नाराज नहीं होना है क्योंकि ना थोड़ी सी मसरूफियात भी होती है, आप लोगों को पता है। और जो रिक्वेस्टेड व्लॉग होते हैं ना वो तसल्ली से बनाए जाते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, कि हम अपनी पूरी बात उनके आगे पेश कर सके और उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूंगी इसकी स्टोरी। तो आज ना छोटा सा मिनी व्लॉग है, आप माइंड मत कीजिएगा, मिनी व्लॉग में रख रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं शेयर शोर का कुछ नहीं कहूँगी, बस आप दुआ कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक जुनैद भाई को जल्दी से सेहत आप करे, और जितने भी मरीज हैं ये स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से जो इन्हें हो गया डायरिया वगैरह हो गया, डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, अल्लाह पाक जल्द से जल्द ठीक करे। आपको पता है क्योंकि उसमें पानी जिस्म का सारा खत्म हो जाता होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा तलखी होती है, बहुत ही ज्यादा बुरी दर्द होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए, दानिश भाई को भी शफा अता फरमाए, दुनिया के सभी मर्द को शफा करे। आज के व्लॉग में मैं ये नहीं कहूंगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस आप लोग सबके लिए दुआ करें। ठीक है, अगर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।